ओके दोस्तों, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू वेस्टीज वेब सेमिनार। वेस्टीज की इस वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम शंकरजीत गोस्वामी है। मैं वेस्टीज में एज ए रीजनल सेल्स हेड पूरी की सेल्स ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश का सेल्स एंड ट्रेनिंग पार्ट देखता हूँ। दोस्तों, आज मेरे साथ और एक शख्सियत भी है, दो शख्सियत आज मेरे साथ रहेंगे। एक हमारे सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर मिस्टर उमेश आर्या फ्रॉम भुवनेश्वर, और दूसरा जो शख्सियत जिसको देखने के लिए आप लोग आए हो अपने टाइम को मैनेज करके, क्योंकि आपको पता है कि आज जो चीज आपको यहाँ से मिलने वाला है, जो चीज आप यहाँ से सीखने वाले हो, जो आपके सीक्रेट की सब आपके सक्सेस की सबसे बड़ा सीक्रेट पाया जाएगा। दोस्तों, आज हम ऐसे एक शख्सियत से मिलेंगे जिन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन करके ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी को चेंज किया, अपने साथ पूरी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जीवन को बदलने में मदद किया। दोस्तों, जो अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया वो तो हम बात करेंगे, उनके बारे में तो जानेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही चुने हुए लोगों को दिया जाता है, एक ऐसी अचीवमेंट जो सिर्फ एक अच्छे बिजनेस करके हासिल नहीं किया जा सकता, ये अच्छे लीडर बन के, अच्छे इंसान बन के इसको हासिल किया जा सकता है। जब आप लोगों को मदद करते हो, जब आप लोगों को सफलता दिलाते हो, जब आप लोगों को सक्सेसफुल बनाते हो, तब जाके आपको ये सफलता का शिखर मिलता है जो पूरी भारतवर्ष में सिर्फ 17 लोगों के सर पे है। और वही ताज आज और एक शख्सियत के सर पे है, और उनसे हम मिलेंगे, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे सफलता के बारे में। हाँ दोस्त, आप लोग का अनुमान एकदम सही है, आप लोग जानते भी हो शख्सियत को। आज हम जिससे बात करने वाले हैं, यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेस्टीज के द वन एंड ओनली सबसे नेक हमारे वेस्टीज एम्बेसडर मिस्टर विवेक सक्सेना। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमारे टाइम दिए ताकि आज पूरी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नेपाल, बांग्लादेश, इन सारे जगहों के लोग आज आपसे मिलने का मौका उनको मिलेगा, आपसे कुछ जानने का, कुछ सीखने का, कुछ सुनने का मौका आज सबको मिलेगा सर। तो वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एम आई ऑडिबल? क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप गोस्वामी जी? हाँ जी सर, आपका आवाज एकदम आ रहा है, आप बताइए, सुन पा रहे हैं हम लोग। ग्रेट, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। इनफैक्ट जैसे ही मुझे उमेश भाई का फोन आया अभी कुछ दिन पहले, तो ऑब्वियसली मना करने का तो वो मतलब नहीं बनता, बिकॉज वेस्टीजियन, हर वेस्टीजियन की एक ही चाहत है कि जो कुछ भी आप समर्पित कर सकें अपनी स्टोरी से या अपनी सफलता से बाकी लोगों के लिए, तो इसके लिए तो हर वेस्टीजियन हमेशा तैयार रहता है। लाइक मी तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि जब से ये अनाउंसमेंट हुई है तब से इंगेजमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है, राइट, बिकॉज एवरीबडी इज एक्साइटेड टू नो द सीक्रेट एंड टू कंग्रेचुलेट। सबसे पहले तो हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि वेस्टीज के पहले आप क्या करते थे, आप किस तरह से वेस्टीज को ज्वाइन किए, और एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी कोई इंसान वेस्टीज में ज्वाइन करता है एज ए 5%, और लोग जब ज्वाइन करते हैं आज के डेट में, जब भी लोग ज्वाइन करते हैं लोग देखते हैं कि वेस्टीज एम्बेसडर उनकी तरह बनना है, उनकी जगह पे पहुंचना है, उनकी तरह लाइफस्टाइल, उनकी तरह रिस्पांसिबिलिटी, इन सारी चीजों को लोग पाना चाहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि एज ए वेस्टीज के पहले आपका जीवन वेस्टीज में एज ए 5% से स्टार्ट करके वहां से वेस्टीज एम्बेसडर, ये जो एक शानदार जर्नी आपने जो क्रॉस किया, ये हम जानना चाहेंगे, आपके जुबानी आपसे सुनना चाहते हैं सर सबसे पहले। जरूर, ड्रीमर्स, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री को और वेस्टीज सिस्टम के अंदर कामयाबी होने के लिए, कामयाबी से काम करने के लिए, वट एवर बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड एवरीवन, दैट इज यू शुड हैव ड्रीम्स, राइट। जितने ज़्यादा और जितने बड़े ड्रीम्स आपके पास होंगे, आवाज़ मेरी शायद कम आ रही है? हाँ, थोड़ा सा लो आ रहा है सर। ओके, कोशिश करता हूँ। देखिए, कुछ लगा आपको अंतर है? थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा बेहतर है। ओके, अब क्या क्लियर आ रही है? हाँ, राइट, परफेक्ट है। चलो, अब परफेक्ट है, कई आवाजें आ गई एकदम से, गुड। सो किसी भी और वेस्टीजियन की तरह मेरी भी जर्नी शुरू हुई,
राइट सपने थे। इसलिए दो वेस्टीज से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपके ड्रीम्स हैं तो डायरेक्ट सेलिंग आपको समझ में जरूर आएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ तकरीबन अब से 20 साल पहले, 21 साल पहले, इनफैक्ट इन 1999 में जब मैं अपने बिजनेस कर रहा था अपनी पढ़ाई के साथ में, और 3 साल तक मैंने बिजनेस किया था। 16 साल की उम्र से मैंने अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस शुरू किए थे ट्रेडिशनली। कारण था सपने बहुत बड़े थे और लगता था कि अब उम्र का इंतजार नहीं करना, एज सून एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और अपने अपने अपनी अपनी डिजायर्ड लाइफ को जी सकूं, अपनी डिजायर्ड ड्रीम्स को जी सकूं, तो आई हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो उस जमाने में भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग जैसा इतना शानदार कॉन्सेप्ट नहीं आया था, तो मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ जो उसमें पॉसिबल बिजनेस था वो शुरू किया और 3 साल मैंने उसको अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ किया। एंड माई थर्ड ईयर आई गॉट अ बिग लॉस। तो उसके बाद में कुछ समय लगा मुझे वहां से वापस उठने के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज सोच के चलते हैं, जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं और उसमें अचानक से आपको लॉस मिल जाए या एक्सपेक्टेशन आपकी जब टूटती है तो थोड़ा सा आप डिस्टर्ब होते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अगर आपके सपने बहुत मजबूत हैं तो वापस पर आप उठते हैं, राइट। तो फिर मेरा फोकस हुआ कि जॉब की तरफ मुझे जाना चाहिए, क्योंकि जॉब एक सर्टेन अमाउंट आपको जरूर देगा, लेकिन जॉब से जिंदगी भर जॉब नहीं करना, बिकॉज वो आपको सर्वाइवल इनकम दे सकता है बट वो ड्रीम इनकम आपको कभी नहीं दे सकता। तो फोकस मेरा ये हुआ कि अगर जॉब लग जाती है तो वहां से पैसा कलेक्ट करके वापस मुझे बिजनेस स्टार्ट करना। एंड इन दैट डिसीजन 1999, राइट, तब मेरी उम्र रही होगी शायद 21 साल की, 18-19 या 20 साल की, उस समय मुझे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मालूम पड़ा, ठीक है। और मेरा उसमें फोकस और तैयारी जॉब की चल रही थी। एक कॉन्सेप्ट ने मुझे इतना इंस्पायर्ड किया क्योंकि जो मेरे ड्रीम्स थे मुझे पता था वो बिजनेस से ही पूरे हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्कोप है आपके पास में कुछ बड़ा करने का। जॉब के अंदर हमेशा एक फिक्स एक लिमिट के अंदर आपको अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। तो मेरे उनसे 2-3 सवाल किए थे। वो एक कंपनी थी जो मेरे एक रिलेटिव मुझे लेकर आए और वो एक अमेरिकन कंपनी थी। मैंने उनसे कुछ सवाल किए उस बिजनेस के बारे में, इस मॉडल के बारे में, और वो सवाल था कि इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ भी नहीं, रिस्क क्या है, कुछ भी नहीं, ग्रोथ क्या हो सकती है, आसमान छोटा पड़ जाएगा, करना क्या होगा, यूजर बनना होगा और आपको फाइनली अपने साथ लोगों को एक टीम बनानी होगी, यूजर्स की टीम बनानी होगी। तो इतनी चार चीजें मुझे समझ में आ गई थी कि एक बिजनेस है जिसके अंदर आप बिना किसी लागत के शुरू कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम देता है कि आप अपनी जॉब के साथ, जो मैं करने वाला था, जॉब के साथ या बिजनेस के साथ भी आप इस मॉडल को मॉडल पर काम कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको कमिटेड कंज्यूमर बनना होगा और आपको उसके बाद कंज्यूमर्स की टीम बनानी होगी और फ्यूचर में अपनी टीम के अंदर आपको इंडिपेंडेंट लोग खड़े करने होंगे। परिणाम क्या होगा कि आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, चाहे आपका पैसे का ड्रीम हो या आपको समय अपनी जिंदगी में अपना अपने मनचाहा समय चाहिए या और बहुत सारे चीजें जो आप इस इंडस्ट्री से पा सकते हैं। सो जैसा मुझे याद है उनसे बात करने के दौरान उन्होंने मुझे एक मैगजीन दिखाई थी और मैंने उनसे मैगजीन बारो कर ली थी, मांग ली थी उसको पढ़ने के लिए। और उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आप चिंता मत कीजिए, ये बिजनेस शायद मेरे लिए बना है और जिस दिन मेरी जॉब की पहली सैलरी आएगी मैं उस सैलरी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर दूंगा। वो मैगजीन मेरे साथ रही और लगभग 1.5 साल का पीरियड गया, 1.5 साल तक मेरा फोकस जॉब था उस समय। तो जैसे ही मेरा गवर्नमेंट जॉब लगा, मैं सेम डे लेटर हाथ में आया और मैं उनके घर पहुंचा जस्ट टू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड टू एंटर इन दिस मॉडल। और मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने खुद ही इस बिजनेस को छोड़ दिया, क्योंकि इस बिजनेस का एक डार्क साइड है, आप सब जानते हैं, आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप सब लीडर्स हैं, और जो अभी नए हैं उनके लिए ये मैसेज भी है कि इस बिजनेस का एक बहुत पॉजिटिव साइड है कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब हुए तो आप अपनी कल्पनाओं की जिंदगी जिएंगे, राइट। और जितनी बेहतर कल्पना, जितनी बेहतर रंग अपने सपनों में आप भर सकते हैं, ये मॉडल आपको उस जिंदगी को चरितार्थ करेगा, वो जिंदगी आप जिएंगे। गाड़ी की बात करूं, फॉरेन ट्रिप की बात करूं, लाइफ स्टाइल की बात करूं, घर की बात करूं, पढ़ाई की बात करूं, फैमिली को बेहतर कंफर्ट लाइफ देने की बात करूं, फ्यूचर की टेंशन की बात करूं, राइट, टेंशन फ्री लाइफ की बात करूं, या सिक्योरिटी की बात करूं, या रॉयल्टी की बात करूं, हर चीज जो आप अपने सपनों में रंग भर सकते हैं ये बिजनेस आपको दे सकता है। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, और डार्क साइड ये है कि हम सफलताओं के लिए ट्रेंड नहीं है, राइट। अभी तक हम स्कूल कॉलेज में जहां पर भी गए, हमने वहां पर उनके सिलेबस, जो सेट सिलेबस हैं स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो पिछले 70-80 सालों से चले आ रहे हैं, शायद उससे भी पहले से चले आ रहे हैं,
जिन सेट सिलेबस के अंदर हमको किसी एक्स वाई जेड सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है, राइट, हमें मैथमेटिशियन बनाया जाता है, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, लेकिन सफलता के लिए क्या नियम चाहिए, सफलता किन रूल्स का परिणाम होती है, सफलता के लिए एटीट्यूड क्या चाहिए, सफलता के लिए कंसिस्टेंसी की क्या इंपॉर्टेंस है, सफलता के लिए लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, सफलता के लिए डिवोशन कितना इंपॉर्टेंट है, सफलता के लिए सबमिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, सफलता के लिए नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा है वहां पर की क्या इंपॉर्टेंस है, सर में कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं है या कोई सब्जेक्ट नहीं, ओके आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरी तरफ से तो नेटवर्क बिल्कुल कंप्लीट है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो उमेश? यस 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 सरोज जी, सॉरी विवेक जी, सुन पा रहे हैं थोड़ा सा आपकी साउंड विवेक जी थोड़ा सा बीच में से गायब हो गई थी, बट ठीक है, नो इश्यूज, अभी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ओके मैं वापस रिपीट कर देता हूं, बहुत लंबा नहीं गया था, मैंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, I was just try to share you the better part of this model, the better part of this business model, कि आप अपने सपनों की जिंदगी, जो भी सपने आप देखते हैं, अगर आप इस मॉडल में कामयाब हुए तो आप अपने सपनों का की जिंदगी जिएंगे, राइट, चाहे वो घर, गाड़ी, घोड़ा, राइट, फॉरेन ट्रिप, लाइफ स्टाइल, वट एवर, जो भी आप सोच सकते हैं आप इस बिजनेस मॉडल पर वो अचीव कर सकते हैं, ये इसका एक बेटर पार्ट है, एक बहुत साउंड पार्ट है, लेकिन एक और दूसरा पार्ट भी है हमारे मॉडल का, जो कि मैं डार्क साइड बोलता हूँ या हार्ड साइड बोलता हूँ, और वो हार्ड साइड है एजुकेशन, राइट, मैं बात रिपीट दोबारा से करता हूँ कुछ लोगों के लिए जो मुझे नहीं सुन पाए थे, कि अपने कॉलेज के अंदर, अपने स्कूलिंग के दौरान हमारा जो मॉडल है, हमारे स्कूल की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारे कॉलेज की जो व्यवस्थाएं हैं, वो 50, 60, 70 साल या इससे ज्यादा समय से भी चल रही हैं, और वहां पर एक पर्टिकुलर थीम पर काम होता है कि लोगों को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें एक्सपर्टाइज बनाना है, राइट, एक्सपर्टाइज देनी है, हमें हिस्ट्री में उनको तैयार करना है, ज्योग्राफी में तैयार करना है, साइंस में तैयार करना है, मैथ्स में तैयार करना है, राइट, इतिहास, भूगोल एंड ऑल, सफलता का सब्जेक्ट कोई नहीं पढ़ाया जाता, राइट, किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी सिलेबस में कोई एक ऐसा क्लास नहीं होता जिसका टॉपिक हो सक्सेस, जिसको हमें यह पढ़ाया जाए कि सफलता के लिए किन फॉर्मूलों की जरूरत है, क्या प्रिंसिपल्स हमको अपनी लाइफ के अंदर ओन करने चाहिए जो हमको लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनाए, राइट, मैं बोल रहा था कि हमें नहीं बताया जाता कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कमिटमेंट क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, हमें नहीं बताया जाता कि कंसिस्टेंसी सफलता के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, हमको नहीं बताया जाता कि हार्ड वर्क के बगैर सफलता के बारे में हम बात नहीं कर सकते, हमको नहीं बताया जाता कि सफलता के लिए सबमिशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कभी इन टॉपिक्स पर लंबे क्लास नहीं होते, कभी इन टॉपिक्स पर हमारे एग्जाम नहीं होते, कभी इन टॉपिक्स पर हमको ट्रेनिंग देकर, राइट, हमारी काबिलियत का को जज नहीं किया जाता, सो ये डार्क साइड है कि रिजेक्शन हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, वो रिजेक्शन चाहे जिस फील्ड के भी हों, मैं बात करूंगा अभी उमेश जी, जो भी एक हफ्ता पहले एक केस हुआ इंडिया के अंदर, राइट, बहुत दुखद केस था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री उससे हिली और मैं उससे बहुत व्याकुल हुआ, बहुत सारे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लगभग बहुत लोगों पर उसका इफेक्ट गया, जी बिल्कुल, क्या कारण था, शायद रिजेक्शंस को कोप अप करना लोग नहीं जानते, राइट, और जब हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं, राइट, हमको लगता है अब दुनिया खत्म हो गई, या ये मॉडल में काम कर रहे हैं तो ये काम हमारे लिए नहीं बना, हम खत्म हो गए, अब हम कहीं और जाएंगे, रिजेक्शंस वहां आएंगे तो हम वहां खत्म, फिर हम जिंदगी भर भागते रहते हैं और फिर फाइनली फोकस करते हैं कि एनी हाउ बहुत मुश्किल से बस कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम अपना रोटी चला सकें, घर चला सकें, परिवार को पाल सकें, तो फाइनली हम इतना छोटा सोचने लगते हैं, क्योंकि हम बड़ा सोचने से घबराते हैं, क्योंकि हमें रिजेक्शन से डर लगता है, राइट, और ये इस बिजनेस का एक डार्क साइड है, एकमात्र डार्क साइड इस बिजनेस का केवल ये है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, स्पेशली जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आप सफलता के इस मंत्र को जान गए कि जो भी चीजों में, जिस फील्ड में भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, रेदर इन दिस मॉडल और इन एनी मॉडल इन द वर्ल्ड,
तो रिजेक्शन से मोहब्बत करना शुरू कर दीजिए, राइट, बिकॉज वो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है आपके लिए, बिकॉज जब भी आपको कोई रिजेक्ट करेगा, आपको उसका दूसरा साइड ये है कि वो आपको ये फोर्स कर रहा है कि आप अपनी तैयारियों को और बेहतर कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को और स्ट्रांग बनाइए। लेकिन ज्यादातर लोग चूंकि इन फॉर्मूलों को नहीं जानते, तो जैसे ही किसी ने रिजेक्ट किया 1, 2, 3, 4, उसके बाद वो खुद को रिजेक्ट कर देते हैं, वो जिंदगी को भी कई बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि इट हैपेंड्स विद दैट पर्सन हु केम टू मी एंड ही शोड मी द प्लान ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टाइम इन 1999। ही वाज माय रिलेटिव, ही इज माय रिलेटिव। एंड मैं 1.5 साल के बाद जब अपने आप को मैं तैयार कर चुका था, क्योंकि मुझे इस मॉडल के अंदर अपने सारे फ्यूचर के सपने साकार होते दिख रहे थे, तो जैसे नौकरी लगी, मेरा लेटर हाथ में आया, मैं उनके पास गया, मालूम पड़ा उन्होंने बिजनेस ही छोड़ दिया। पूछने पर मालूम पड़ा कि अगेन वही कि कुछ लोगों से बात की होगी, रिजेक्ट मिला, लोगों ने कुछ ने ज्वाइन किया था, बाद में उन्होंने भी काम करना छोड़ दिया और फाइनली उन्होंने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया, राइट। मुझे नहीं पता कि आप अगर आप लोग अगर मुझ जैसी कोई डाउनलाइन पाते, अगर आप मेरे अपलाइन होते तो आप क्या सोचते आज, या आप कहाँ होते आज, वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, राइट। ये मौका मैं उनके पास देकर गया था। अब मुझे समझ में आ गया कि क्योंकि मैं जानता था, बिकॉज उससे पहले भी जब मैं पढ़ाई कर रहा था और बिजनेस कर रहा था, तो मुझे उस समय भी बहुत रिजेक्शंस मिले थे। जब मैं अपनी नौकरी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे बहुत रिजेक्शंस मिले थे, राइट। तो मुझे ये बात नेचुरली मालूम पड़ गया था कि रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस गेम, राइट। एक अच्छा क्रिकेटर, एक बहुत साउंड बैट्समैन भी आज तक वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ जिसने अगर 100 बॉल खेली हो तो 100 बॉलों पर 6 मारे। उसको भी कई बॉल ऐसी होती हैं जो बीट करती हैं, कई बॉल ऐसी होती हैं जो उसको लग भी जाती हैं, कई बॉल पर वो आउट भी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रिकॉर्ड बनाता है क्योंकि वो टिका रहता है। वो एक हार के बाद या एक बार आउट होने के बाद वापस फील्ड में उतरता है अगले मैच में पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे सपनों के साथ। सो दिस इज द डार्क साइड, द ओनली डार्क साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री, और जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं, राइट। मैं बहुत क्लियर हो चुका था क्योंकि मैं जानता था कि आप कोई भी काम करें लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, तब तक जब तक कि आप खुद को सफल नहीं बना लेते। एंड दैट डे यू मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल, वो सारे लोग आपके साथ आकर रिश्ते जोड़ेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपके पीछे चलेंगे। तो दैट इज व्हाट द लाइफ इज, दैट इज व्हाट द रूल, द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। सो दैट इज हाउ। अब मुझे तो करने थे ज्वाइन, तो जब मैंने तलाश किया तो मुझे एक और व्यक्ति मिले जो एक दूसरी कंपनी में थे, जो भारत की कंपनी थी, भारत की पहली कंपनी थी, और मॉडल चूंकि सेम था। नेटवर्क मार्केटिंग देखिए बहुत सिंपल मॉडल है कि कहीं पर भी आप एक चैनल पार्टनर बनेंगे किसी एक कंपनी के, और वो कंपनी आपको मौका देती है अपने साथ पार्टनरशिप का, उस कंपनी के अंदर आप यूज करते हैं प्रोडक्ट को और टीम बनाते हैं। तो ये बेसिक मॉडल है इस इंडस्ट्री का। तो मॉडल मुझे समझ में आ गया था और मैंने भारतीय कंपनी ज्वाइन करने का एक और रीजन भी था कि इस बार जो कंपनी मेरे सामने थी वो भारतीय कंपनी थी। So that was more than enough reason to join with that company, and I started in December 30th, year 2000. So in 2030 December ko maine is industry ko join kiya along with my job. Aur 3 mahine maine is business ke saath bitaye part time ke andar, kuch books study ki, kuch trainings li, kuch meetings mein gaya. To mera jo sapne the unme aur tez rang bhare, mera vishwas aur tez badh gaya. Aur 3rd महीने मैंने फैसला किया इस बिजनेस को फुल टाइम लेने का। मेरी उम्र रही होगी उस समय 20 से 21 साल की। तो 3rd महीना था, मेरा चेक था उस कंपनी के अंदर 2000 रुपए का, मेरी सैलरी थी 10,000 रुपए। लेकिन इतना विश्वास मुझे आ गया था इस मॉडल के ऊपर और खुद के ऊपर कि यस, इस बिजनेस के अंदर मैं अब हर वो चीज पूरी कर सकता हूँ जो सोची थी। और स्पेशली उसमें दो चीजें बताना चाहूंगा उमेश, कि मेरे दो सपने बहुत इंपॉर्टेंट थे, राइट। एक कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे फादर एक डॉक्टर हैं और मेरी मदर DGIC में थी, प्रिंसिपल थी। तो मैंने अपने घर में दोनों ही तरह के प्रोफेशन देखे थे, राइट, सेल्फ एम्प्लॉय और एक गवर्नमेंट सेक्टर का। दोनों होने के बावजूद भी मैं बहुत बार ये नोटिस करता था कि पैसे की बहुत आयत नहीं है, पैसे की कमी है, राइट। छोटा बच्चा था मैं जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, मैं 8 साल का था, 8 या 9 साल का। तो कई बार मुझे उस पीरियड में ऐसा एहसास हुआ कि मैं अगर कोई चीज मांगता था या जिद करता था तो मम्मी बोलती थी पापा से, पापा बोलते थे मम्मी से, तो आई बिकम फुटबॉल। तो मुझे समझ में आना शुरू हो गया कि पैसा कुछ चीज है इंपॉर्टेंट जो शायद कमी है, राइट, जो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इट हैपेंड्स कि मुझे वो लगा कि मुझे उस पैसे की, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं उस पैसे को इतना कमाऊंगा कि पैसे को भी समझ में आए कि कमाना कैसे कहते हैं, राइट। एंड दूसरा कारण था मेरा इस बिजनेस को ऑप्ट करने का, इस मॉडल को ऑप्ट करने का, और इतना क्लियरली ऑप्ट करने का
उसमें मुझे बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक मुझे कारण याद आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कारण था कि व्हेन आई वाज इन क्लास फोर्थ एंड आई वाज 7 or 8 इयर्स, तो मेरी मॉम का एक ट्रांसफर हुआ दूसरे शहर के अंदर, और मेरे सामने एक चैलेंज आया, मेरे सामने एक परिस्थिति आई कि आप वहां रहना चाहते हो या इस साल यहाँ रहना चाहते हो, राइट, पापा के पास या मम्मी के पास। उमेश आप शायद ज्यादा कनेक्ट करेंगे इस बात से, और बहुत सारे लोग भी और कनेक्ट करेंगे इस बात से। 7 साल का एक बच्चा भाई, उसको अगर चुनाव करना पड़ जाए कि उसको कहाँ रहना है, कई बार हम बड़े लोग ये समझते नहीं हैं, लेकिन बच्चे तो आपको दूसरे दिन या एक हफ्ते बाद ही पैदा होने के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं, वो आपके इमोशंस को समझते हैं, राइट। हम कई बार उनको नहीं समझ पाते, हम बड़े हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन हम शायद उनको समझ नहीं पाते। और जो मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस की जो बेसिक जो पावर है, दैट इज ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स मीन्स यू आर इमोशनली कनेक्टेड विद योर फैमिली, एंड व्हेन आप अपने परिवार के दिमाग में जो उम्मीदें चल रही हैं, जब आप उनके साथ जुड़ जाते हो, तो आपको एक ऐसी ताकत मिलती है जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने के लिए, जिसके बाद आपको किसी और मोटिवेशन की और किसी मोटिवेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती। सो व्हेन आई वाज जस्ट 7 years old, और ये सिलेक्शन मुझे करना था कि वेयर आई हैव टू, तो उस उम्र में मुझे दोनों चाहिए थे। लेकिन ऑब्वियसली छोटे बच्चे कई बार माँ की जिम्मेदारी पर जाते हैं, तो मैं मम्मी के साथ अपने पापा को छोड़कर दूसरे शहर में उस साल एक साल पढ़ने के लिए गया, और नेक्स्ट ईयर माय मॉम एक्सपायर्ड। उस एक साल के अंदर मैं अपने आप से वादा शायद तभी कर चुका था कि जब मैं बड़ा होऊंगा, और कभी शायद मेरा परिवार होगा, और कभी जब मेरे बच्चे होंगे, उनके सामने सिचुएशन कभी नहीं आएगी, मैं कभी भी उनको सामने ये सिचुएशन नहीं लाऊंगा अपने जीवन के अंदर कि उन्हें चूज करना पड़े या उन्हें समझौते करना पड़े। तो इतनी क्लैरिटी शायद तब से ही मेरे दिमाग में आनी शुरू हो गई, और ऑब्वियसली मम्मी के खत्म होने के बाद पापा के साथ और कनेक्टिविटी बढ़ी, और पैसे की कमी की इंपॉर्टेंस और ज्यादा मुझे समझ में आने लगी है। दैट्स व्हाई मैं पढ़ाई के साथ इतना मैच्योर था कि मैंने कोशिश किया कि मैं बहुत जल्दी, मतलब 15-16 साल की उम्र से ही मैं अपने खर्चे उठाना शुरू कर दूं और कुछ सपोर्ट कर पाऊं फैमिली के लिए, राइट, इंडिपेंडेंट बन पाऊं। सो दैट इज द रीजन कि मैं बहुत कम उम्र में इस बिजनेस के अंदर आया, और जैसे शुरुआत हुई 3 महीने बीते और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और मुझे लगा कि अब ये मॉडल वो है जिसके अंदर पैसे का फ्रीडम और समय का फ्रीडम, ये दोनों ही मेरे कंट्रोल में रहेंगे, राइट। मुझे मजबूरी कभी नहीं करनी पड़ेगी, और जॉब में हूं तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अब मेरे पास ट्रांसलेटर आ गया किसी और शहर का, और मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कहीं और है और मुझे कहीं और जाना पड़े। तो मेरे पास ये मौका है अपना हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी, सब कुछ बदलने का, एंड कॉन्फिडेंस आया क्योंकि खुद काम कर रहा था। ये भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, हम सब लोगों को, कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, बी इंडिपेंडेंट। आपने अपने दुनिया में हजारों बच्चों को देखा होगा पार्क में, घर में, टहलते हुए सड़क पर, जो अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़कर चलते हैं, हजारों देखे होंगे, लेकिन आपने एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा होगा जो उनकी उंगली पकड़कर दौड़ रहा। अगर आप दौड़ना चाहते हैं, चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है, तो आपको उंगली छोड़ने की हिम्मत करनी ही पड़ेगी, आपको इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने अपलाइन को सब कुछ करके और उनको खुश करके, और अंदर ही चलेगा आपके कि बस उनको खुश कर लूं ताकि उनसे मुझे कुछ लीड मिल जाए, वो मेरी मीटिंग कर दें, वो मेरी ट्रेनिंग कर दें, आप अपने आप को धोखे में रखकर अपनी सक्सेस को आप डिले करते हैं और कुछ नहीं करते, आप उसको डिले करते हो, कई बार किल भी करो। सो मेरे साथ एक अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि मेरे अपलाइन जो थे वो मेरे से 700 किलोमीटर दूर थे, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे जो करना था खुद ही करना था, और उससे पहले भी मैं जो कर रहा था वो खुद ही करके जॉब में गया, राइट, बिजनेस किया, तो यहाँ पर मुझे बड़ा मजा आ रहा था अकेले करने में। और इसलिए तीसरे महीने 2000 की जॉब सैलरी के साथ ही, 2000 के कमीशन के साथ भी मैंने 10,000 की सैलरी को छोड़ने का, नौकरी को छोड़ने का फैसला किया, एंड आई टुक दिस इंडस्ट्री एज अ करियर एट द एज ऑफ 20-21 इयर्स, एंड फ्रॉम दैट डे टिल टुडे द जर्नी इज कंटिन्यूड, राइट। 8 साल में उस कंपनी के अंदर रहा, उमेश और मैं, हम दोनों लोग भाई उस कंपनी में थे, वो हमेशा जॉब सेक्टर में थे, राइट, ही वॉज वर्किंग लास्ट एज एरिया सेल्स मैनेजर इन दैट कंपनी एज वेल, जहां पर मैंने अपना 8 साल दिया, और वहां से मैंने अपने बहुत सारे सपने, राइट, जितने देखे उस साइज के बहुत सारे सपने मैंने पूरे किए। सबसे पहले तो मैं इस मॉडल पर काम करके, मेरा एक पहला सपना था कि मुझे घूमना था और मुझे हवाई जहाज में बैठना था। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद अब इसकी इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन मेरे लिए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि मैंने उस दिन से पहले तक कभी प्लेन को पास से नहीं देखा, लेकिन वो ड्रीम था मेरा 5 साल की उम्र से, 6 साल की उम्र से, जो मैं मम्मा से कहता था, पापा से, कि मुझे इसमें बैठना है, और वो हमेशा कहते थे बेटा अगले साल बिठाएंगे, राइट, तो माँ तो चली गई और फिर कभी ऐसा हुआ नहीं, तो ये एक ड्रीम का मेरा प्लेटफॉर्म बना।
और 23 साल की उम्र में मैंने अपनी जिंदगी की पहली फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई की, राइट। 24 साल की उम्र में मैंने अपने लिए बाइक खरीदी, 25 साल की उम्र में मैंने अपने लिए पहली अपनी कार खरीदी, राइट। एंड उसके बाद लाइफ बहुत स्मूथ थी। 8 साल मैंने उस कंपनी के अंदर काम किया और जैसे मैंने आपसे कहा बहुत सारे सपने पूरे किए। मेरी मैरिज अब हो चुकी थी 2004 में, 2003 में, एंड नाउ आई वाज अ फादर, राइट। 2006 आते आते, 2007 आते आते कुछ चीजें मुझे समझ में आई कि वहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो हमारा काम है इस बिजनेस के अंदर, नेटवर्क बनाना, टर्नओवर बढ़ाना और लीडर्स क्रिएट करना, जो मैं कर रहा था, मेरा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा था लेकिन चेक नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक साल मैंने एनालाइज किया कि व्हाट हैपेंड, मतलब मैं जो करना है मुझे वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज इंक्रीजिंग माई नेटवर्क, इंक्रीजिंग माई टर्नओवर। आई हैड द नेटवर्क इन दैट कंपनी ऑल्सो मोर देन 30,000 पीपल, बट इवन देन टर्नओवर बढ़ रही है बट चेक नहीं बढ़ रही है। तो फिर सेकंड साइड सोचना शुरू किया 2006 लास्ट, 2007 में इनफैक्ट, कि व्हाट इज व्हाई इट इज हैपनिंग। और एक बात मैंने और नोटिस किया कि कई बार बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं मैनेजमेंट के अंदर जो जिसका शिकार हम लोग होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट पर रहते हैं। तो 8 साल बिताने के बाद मैंने फैसला किया कि एक बार मैं इंडस्ट्री को दोबारा से एनालाइज करूंगा, क्योंकि उन 8 सालों में तो मैंने कभी कोई कंपनी देखी नहीं। इनफैक्ट 2006 में मेरे पास वेस्टीज आई थी किसी व्यक्ति के जरिए से, राइट। लेकिन मैं इतना फोकस था अपनी कंपनी उस काम के अंदर कि मैंने उनको बुलाया, बिठाया, चाय पिलाई और उसके बाद बिना सुने उनको वापस कर दिया था। उमेश को मुस्कुराहट आ रही है, ही नोज द पर्सन, राइट, बरेली के अंदर। बट 2008 आते आते मुझे खुद लगा कि मुझे एक बार दोबारा समझना चाहिए। तो यहां भी मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा, निराश नहीं होना है, राइट। कई बार आप जब किसी को अप्रोच करते हो, कई बार जब आप उसको अप्रोच करते हो और आप उम्मीद करते हो कि वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, तो हम फिर अगेन क्या होते हैं, उस रिजेक्शन से हम निराश हो जाते हैं। अगेन द की इज कंसिस्टेंसी, राइट। यानी कि मैंने खुद 2006 में वेस्ट चीज को रिजेक्ट किया, मना किया, और मैं खुद 2008 में बाली सर का नंबर ढूंढ के, उनसे अपॉइंटमेंट लेके, मैं और सिद्धार्थ सर, हम दोनों लोग दिल्ली उनसे मिलने के लिए पर्सनली गए। और जब हम वहां गए तब उमेश को पता भी नहीं था कि हम वहां उनसे मिलने के लिए गए, राइट। सो वक्त चेंज होता है, राइट। अगर आज आपको कोई व्यक्ति आपकी आपको नहीं समझता या आपको रिजेक्ट करता है, डोंट वरी, राइट। व्हेन योर टाइम विल कम, दैट पर्सन विल कम इटसेल्फ, वो भी आएगा, राइट। समय अपने आप उनको आपके साथ लेकर आएगा, बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंसली आपको अपने काम करते रहना है। और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल, सबसे यादगार पल, सबसे बड़ा पल जो मैं अपने कर्म क्षेत्र में अगर ढूंढूं, तो वो दिन था 7 फरवरी 2008 का। शायद मेरा, मैं मानता हूं और मैं बड़ा ईश्वरवादी आदमी हूं, मुझे लगता है कि शायद मेरा भाग्य उदय वहां से होना था, मेरे बहुत सारे अच्छे कर्मों का फल मुझे मिलना था। इसलिए नहीं कि वेस्टीज में मैं आज काम कर रहा हूं, इसलिए कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलने वाला था उस दिन, जो व्यक्ति इस इंडस्ट्री के लिए एक डिवाइन सोल है, जो व्यक्ति का पैशन है लोगों की जिंदगियों में बदलाव लाना, जो व्यक्ति आज भी इतनी बड़ी कंपनी के ऑनर होने के बावजूद भी, जो व्यक्ति आज भी 30 दिन 12 महीने आज भी काम करते हैं, और उनके काम में सिर्फ एक चीज चलती है कि और मैं और बेहतर क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि वो सभी लोग जो मेरे साथ हैं उनको मैं और बड़ा कर सकूं, उनके सपनों को पूरा कर सकूं। तो दैट्स व्हाई दैट डे वाज द सुपर डे फॉर मी इन माय लाइफ। बाली सर ने समय दिया, मैं हमेशा कृतज्ञ हूं उनका, और मुझे उन्होंने ही प्लान दिखाया। 3-3.5 घंटे मेरे स्टूपिड, बहुत सारे स्टूपिड क्वेश्चन का उन्होंने उन्होंने बर्दाश्त किया, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन उसका परिणाम आया कि मैं 8 साल की उस कंपनी को उस 3 घंटे की मीटिंग में ये निर्णय कर चुका था कि सर वी आर कमिंग एंड नाउ हिस्ट्री विल बी देयर। और ये कहकर मैं वहां से निकला था। और तैयारी अगेन एक बड़ा मैटर था, वो भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगेन अगर आपको भागने का निर्णय करना है तो आपको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा। आज बन जाइए बेहतर है, नहीं तो डिले करेंगे। और मैं जानता था इस बात को कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो बाली सर से मैंने जो प्लान देखा था उनसे मैंने पेपर लिया, राइट। उस पेपर को मैं अपने साथ ले आया। सिद्धार्थ सर और मैं दोनों लोग एक साथ ही चुकी गए थे, मेरा डिसीजन हो गया। सिद्धार्थ सर ने तुरंत ज्वाइनिंग डाली अपनी। मैंने उनसे कहा कि थोड़ा मुझे समय दीजिए, बिकॉज मैं प्रिपेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज अगेन दिल्ली की कंपनी है, एमडी साहब दिल्ली में है, कंपनी का पूरा स्टाफ दिल्ली में है, सिद्धार्थ जी दिल्ली में है, और मैं काम करूंगा बरेली, वहां से 250 किलोमीटर दूर, तो मुझे फिर इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आई टुक दिस टाइम, और मैंने उन 22 दिनों में, यानी कि मैंने 29 तारीख को ज्वाइन किया, तो 7 और 29 के बीच 22 दिनों में मैंने अपने ऊपर खूब काम किया। रेदर इट इज प्रोडक्ट्स, मैं वीडियो लेकर आया उसमें, उस जमाने के अंदर कैटलॉग नहीं, हेल्थ गाइड नहीं थी, और बहुत सारे लिटरेचर्स नहीं थे, राइट। बिना ज्वाइनिंग के मैंने किसी और अननोन व्यक्ति के आईडी से सारे प्रोडक्ट्स परचेज किए, सारा लिटरेचर परचेज किया, और
फोकस था तैयारी करनी है, वीडियोस देख देख कर रोक रोक कर उनके नोट्स बनाए और उनको बाद में प्रिंट आउट कराया ताकि डाउनलाइन को दे सकूं। जो बाली सर से पेपर लिया था प्लान का, उसको कम से कम 400-500 बार रिवाइज किया, राइट, ताकि जब मैं किसी से बात करूं तो मैं लोगों के सवाल को जवाब दे सकूं कि अगर कोई मुझसे पूछ ले 5 लाख रुपए की इनकम कैसे आएगी तो आई कैन आंसर इमीडिएटली। मैं उस समय ये नहीं कह सकता कि मैं अप्लाइंस या सुधार जी से बात करूंगा या मैं बाली सर से बात करूंगा देन आई विल आंसर यू, तो वो आप नहीं कर सकते, राइट। और ये बिजनेस है ओनरशिप का बिजनेस, तो आपको अपनी तैयारी पर काम करना चाहिए। सो विच आई डिड एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड ऑफिशियली इन 29th February 2008। और वो इत्तेफाक भी है कि मेरे अभी तक सिर्फ 3 बर्थडे मने हैं इस बिजनेस के अंदर, राइट। तो दैट इज हाउ एंड फर्स्ट मंथ आई ब्रेक फास्ट डायरेक्टर लेवल, राइट, और दैट इज हाउ माई जर्नी स्टार्टेड। और आज यहाँ पर आपके सामने जो आपको पता ही है, ठीक है, तो ओवर टू उमेश जी। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो विवेक जी मैं थोड़ी सी माफी चाहूंगा, एक्चुअली मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया। कोई बात, मतलब आपसे जब बात चल रही थी तब लैपटॉप बिल्कुल चकाचक चल रहा था, आपने एंट्री मारी मेरा लैपटॉप क्रैश हो गया। चलिए एनीवेज, कोई बात नहीं उमेश, मैं रिजेक्शन का आदमी, मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं है, रिजेक्शन लैपटॉप करे चाहे लोग करे, इट्स ओके। एंड सबसे पहली चीज तो सो गुड टू सी यू, आज मैं और तुम आमने सामने काफी सालों बाद हो रहे हैं। सो नाइस ऑफ यू एंड सेम हियर भाई। एग्जैक्टली। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे बैठे हुए और नए लोग जो विवेक जी को अब से पहले तक नहीं जानते थे, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा विवेक जी के बारे में जो विवेक जी शायद बताना भूल गए, इनके कमिटमेंट लेवल के बारे में। क्योंकि पुरानी कंपनी से, वेस्टी से पहले वाली जो कंपनी थी उसमें हम लोग साथ थे, तो हमारी अच्छी खासी दोस्ती थी। और इनके ज्वाइन करने के बाद जब मेरी पहली विजिट वेस्टीज में, ऑफिशियल विजिट थी मेरी बरेली में जहां से विवेक जी बिलोंग करते हैं, मैंने बरेली स्टेशन उतरा, सॉरी आई थिंक मैं गाड़ी से आया था अपनी, मैं बरेली में होटल में मैंने चेक इन करा और चेक इन करते ही मैंने विवेक जी को फोन करा, तो विवेक जी ने बोला उमेश भाई एक मीटिंग में हूं और 1 घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगी, 1.5 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। मैंने कहा डन भाई, लंच साथ में करेंगे। लंच का टाइम निकला, इवनिंग स्नैक्स का टाइम निकला, शाम की चाय का टाइम निकला, डिनर का टाइम निकला, रात 11 बज गए, मैं सो गया। और विवेक जी ये कहते रहे बस 1 घंटा 1.5 घंटा, और विवेक जी मेरे से मिलने आए रात को 3 बजे, इफ यू रिमेम्बर विवेक जी, याद है आपको? I remember. और मैं बहुत गहरी नींद में था और विवेक जी को तो मैं पहचान गया, विवेक जी के साथ उनकी एक डाउनलाइन भी थे और विवेक जी तो बिल्कुल एक्टिव उस समय पे, यूनिफॉर्म पहने और मेरा चेहरा बिल्कुल भूत सा बना हुआ। तो मैंने कहा विवेक भाई कल सुबह मिलेंगे, एंड आप लोग बिलीव नहीं करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, उस समय भी विवेक जी किसी को बिजनेस प्लान दिखा के आ रहे थे। सो दिस वॉज द कमिटमेंट विवेक जी का। और सिर्फ अभी तो खैर काफी कट शॉर्ट में इन्होंने अपनी जर्नी बताई, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वेस्टीज में फास्ट स्टार डायरेक्टर बने विवेक जी, हमारा एक ऑफर चलता था उन दिनों, उस ऑफर को क्वालिफाई करा नेक्स्ट मंथ, देन ही बिकेम स्टार डायरेक्टर। और मेरे को अच्छे से याद है विवेक जी, जब आपका पहला 50,000 रुपए का पे आउट आया था, हम आपके बरेली वाले ऑफिस में बैठे हुए थे और बैठे बैठे अचानक जो आपका स्टेटमेंट उस समय पे कुरियर पे आया था, क्योंकि उस समय पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, वो कुरियर से स्टेटमेंट आता था और आप अपनी सीट से खड़े होकर एकदम उछल पड़े। मैंने क्या हो गया भाई? कहते भाई पहला 50,000 रुपए का चेक, आई स्टिल रिमेम्बर। और जर्नी आसान नहीं थी, वेस्टीज में भी काफी चैलेंजेस रहे, कुछ सर्विसेज को लेके इनके चैलेंजेस थे, मेरे से काफी नाराजगी रहती थी क्योंकि हम बहुत क्लोजली काम करते थे उस समय पे। बट हैट्स ऑफ टू यू विवेक जी, सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू, एंड यू वेल डिजर्व दिस एम्बेसडर पोजिशन। एंड जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा देर आए बट दुरुस्त आए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग 2 साल पहले होना चाहिए था, बट हैट्स ऑफ टू यू। चैलेंजेस को लेकर उमेश भाई मैं यहाँ पर कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा, राइट। जो मैं अभी लोगों से बोल भी रहा था कि उससे दूर मत भागो भैया, राइट, क्योंकि वो पार्ट है। अगर आप दिन में खुश होते हैं उजाला देख कर, तो रात आएगी आएगी, वो पार्ट है जीवन का। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि आपको सिर्फ एक ही चीज मिले, और अगर एक मिल गया तो आप परेशान हो जाएंगे, राइट। और तो चैलेंजेस, यस ऑफ कोर्स, जिसकी हम बात कर रहे थे, जो उमेश भाई ने जिक्र किया, तो मैं उसको जरूर बोलना चाहूंगा कि ही इज द ओनली पर्सन हु इज द विटनेस, राइट, ऑफ माय चैलेंजेस, बिकॉज जब मुझे शुरुआत के कुछ महीने हुए थे एंड ड्यू टू सम रीजन शायद मेरा टाइम उस समय मुझे और चेक कर रहा था, मैं तो इतना ही बोलूंगा कि वो मेरा टाइम जो था वो उस समय टफ था,
राइट, एंड तीन चार महीने हुए, कुछ इशू की वजह से कुछ टीमें चली गई छोड़कर, कुछ ने अपनी कंपनी, एक ने अपनी कंपनी शुरू कर दी, राइट, पुरानी कंपनी के भी बहुत प्रेशर थे क्योंकि जब वहां छोड़ा था तो हो गया, थैंक यू, जब वहां छोड़ा था तो पुराने अपलाइन, पुरानी टीमें, वो भी ओबियसली आपके आपके अगेंस्ट ही हो जाते हैं क्योंकि उनको भी फियर होता है फिर आपसे कि कहीं आपकी वजह से उनकी टीमें टूट ना जाए, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए और उस चैलेंजेस का इकोनॉमिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़े, और तो कोई नहीं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस ज्यादा बढ़ गए और लगभग वो दौर लंबा चला, राइट, लगभग 2.5-3 साल का वो पीरियड रहा, 2011 आप मान लीजिए 11 लास्ट तक वो पीरियड रहा, और वो बहुत टफ टाइम था वाकई में, राइट, उसमें ऐसा नहीं था कि मैं अपना काम नहीं कर नहीं पा रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एनी हाउ जो चेक साइज था वो 10,000, 8,000, 12,000, 15,000 भी चल रहा था, और वो जो पैसा था वो घर चलाने के लिए भी काफी नहीं था, exactly. तो उसका परिणाम ये था कि मैं कर्ज में था, राइट, और वो एक टफ पीरियड था, बट ऑप्टिमिज्म था, भरोसा था इंडस्ट्री के ऊपर, वेस्टीज के ऊपर कि जैसे मेरा टाइम सुधरेगा सब कुछ बदल जाएगा, और प्लान के ऊपर पूरा भरोसा था, बाली सर के ऊपर पूरा भरोसा था, प्रोडक्ट की क्वालिटी पर, उनके रिजल्ट्स पर पूरा भरोसा था, सिर्फ ये था कि टाइमिंग जैसे ठीक होगा चीजें ठीक हो जाएंगी, मतलब वो 3 साल का पीरियड वो बहुत रहा, और उसके बाद फिर 2012 आते आते चीजें एकदम ठीक होने लग गई, और अगेन जो मैंने पहली लाइन बोली थी कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, अगर आप लगातार बने रहते हैं तो एक दिन एक लाइन आप बोलते हैं कि मेरा टाइम आएगा, और एक दिन आपका टाइम जरूर आता है, 2012 में आई रिसीव द फर्स्ट चेक ऑफ ₹1,00,000 1,03,000 का मेरा वो चेक था January 2012, एंड देन आफ्टर टिल टुडे नेवर लुक बैक। इनफैक्ट एक चीज और मैं हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आज विवेक जी के दो बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हालांकि मैं लास्ट जब बच्चे से मिला था तो उनका बेटा बहुत छोटा था, 3-3.5 साल का, अभी तो खैर काफी बड़ा हो गया होगा, 7 साल हो गए एग्जैक्टली मिले हुए, और विवेक जी के जो दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो नैनीताल के शेरवुड स्कूल में पढ़ते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विवेक जी, शेरवुड स्कूल, मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया का मतलब एकमात्र, इनफैक्ट एशिया में काफी बड़ा नंबर आता है इसका, और इन स्कूल्स में, इस स्कूल में एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है, एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी बात है, वहां पे विवेक जी के बच्चे पढ़ते हैं, एंड जो लाइफस्टाइल जिसका वो ड्रीम देखा करते थे शुरू से ही, विवेक जी आज वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। विवेक जी मेरे कुछ और आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आज काफी पब्लिक है और पीछे से मेरे पास काफी फोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर हम टाइम पे एंटर नहीं कर पाए, ठीक, बाकी मैंने बोला है कि आप लगे रहो, कभी ना कभी आपका नंबर आएगा ही आएगा। विवेक जी मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, COVID-19 ये एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन है जिसके चलते काफी इकोनॉमी जो है हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है काफी, इनफैक्ट वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था काफी डिस्टर्ब हुई है, न्यूज चैनल्स में रेगुलर आए दिन सुनने को मिलता है कि इतने लाखों इतने करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, इनफैक्ट आज की डेट में करोड़ों अरबों लोग, अरबों खरबों लोग पूरे वर्ल्ड में जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत बुरी हालत है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि सर उन लोगों के लिए, और जो आज की डेट में जो हमारी यंग जनरेशन है, इनफैक्ट आपका ये जो आज प्रोग्राम है इसमें यूथ काफी हैं, पूरे इंडिया से काफी यूथ ने ज्वाइन किया है, तो मैं ये हम बेसिकली आपके आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो यूथ है आज की डेट में, या वो लोग जो लोग कोविड 19 की इस पेंडेमिक सिचुएशन के चलते जो जॉबलेस हो चुके हैं, वेस्टीज में उन लोगों का क्या फ्यूचर है? हालांकि इसका जवाब आप सबको पता है, बट फिर भी ऑफिशियली आप अगर मेरी बात कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, और एक बात बड़ा क्लियरली मैं आपको मैसेज दूंगा। जैसे मैंने जिक्र किया अभी सुशांत सिंह राजपूत जी का, राइट, एक बहुत बड़ा लॉस हुआ हमारे देश का, हमारी इंडस्ट्री का, और मैं पर्सनली बड़ा इंस्पायर्ड था उनसे बिकॉज ऑफ धोनी, राइट, द अनटोल्ड स्टोरी धोनी की वजह से। शायद ऐसा नहीं होता अगर थोड़ा काउंसलिंग उनके साथ हो जाती, या जीवन के अंदर जैसे मैंने कहा कि रिजेक्शंस को वो फेस करना सीख जाते, और जीवन के अंदर इस बार कोरोना है, हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ और भी, राइट, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि दिस इज द लास्ट वन जो हुआ, क्या रीजन है पता नहीं, गॉड का है कि क्रिएट किया हुआ है कि ह्यूमन मेड है, लेकिन ऐसा नहीं कि अभी भविष्य में नहीं होगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि सफलता के लिए आपका खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए आपका अमीर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है, खुश रहने के लिए, सफलता के लिए आपका खुश रहना जरूरी है, और खुश रहने के लिए आपका ऑप्टिमिस्ट रहना जरूरी है।
अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं, अगर आप आशावादी हैं, अगर आप किसी भी घटना के अंदर अच्छा पहलू ढूंढने की आदत डेवलप कर लेते हैं, तो पहला फायदा कि आप खुश रहना सीख जाएंगे। और एक खुशहाल व्यक्ति ही एक बेहतर नेतृत्व कर सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है, एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो ये प्रिंसिपल मैं इस कोरोना के टाइम पर भी बात कर रहा हूँ, राइट। केवल एक पार्ट थोड़ी है, दुनिया में ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं उमेश जी जिसका एक ही साइड हो। इवन मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, इसका एक साइड है कि इसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, इसकी वजह से लोग घर में बंद हो गए, इसकी वजह से बिजनेस डिस्टर्ब हुए, इसकी वजह से इकोनॉमी पर फर्क पड़ा, इसकी वजह से नौकरियां गईं, इसकी वजह से लोग बेरोजगार हुए, इसकी वजह से लोगों पर प्रेशर पड़ा, इसकी वजह से लोग हाफ ऑफ द सैलरी पर काम करने के लिए विवश हुए, इसकी वजह से कई लोगों ने सुसाइड करने का भी शुरुआत कर दी, इसकी वजह से एक रिसर्च आई कि घरों के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गई है, राइट। इसकी वजह से बहुत हस्बैंड वाइफ कई बार अब जोक भी बनते हैं, यू नो, अलग अलग साइड पर आते हैं कि वाइफ कह रही है कि जी अब कुछ भी कर लो, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो भगवान नौकरियां खोल दो और ये घर से बाहर चले जाएं, राइट। तो जोक्स अपार्ट, ये इसका एक पार्ट हुआ। इसका दूसरा बहुत ब्यूटीफुल पार्ट भी है, प्रकृति साफ हुई। जो 100 साल से पूरा विश्व लगा हुआ था, अलग अलग एनजीओ लगे हुए थे, वो साफ हुई। पोल्यूशन कितना न्यूट्रलाइज हो गया, ओजोन लेयर रिपेयर हो गई, लोगों का अपने लोगों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ गई, राइट। आप मजबूरी में ही सही, लेकिन आप शायद ज्यादा क्लोज आए होंगे इस पीरियड में अपने फैमिली के, आप ज्यादा इमोशनली अटैच हुए होंगे अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट के साथ, अपने स्पाउस के साथ में, ये भी तो इसी का ही पार्ट है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखते हैं, राइट। एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर आप इसको पालन करें तो बड़ा मजेदार होगा, फिर मैं आपके डायरेक्ट जवाब पर आता हूँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, या हर चैलेंज कोई ना कोई नया इन्वेंशन कराता है। तो इसको हम इस तरह से भी देखना शुरू करें, और जीवन के अंदर किसी भी सिचुएशन में अपने आप को हमेशा आशावाद की तरह देखना शुरू कीजिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी और आप जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। और वो सोल्यूशन है इस इतनी टफ सिचुएशन के अंदर, उस सोल्यूशन का नाम ही बेस्ट चीज है, उस सोल्यूशन का नाम नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मुझसे बात करते, मुझे उड़ीसा आए हुए, मुझे भुवनेश्वर लास्ट इवेंट करे हुए कितना समय हो गया, हमें 3 साल हो गए, ज्यादा हो गया शायद। मैं 2014 में आया था, नहीं सर, 2015 में मैंने ज्वाइन किया था और मैंने आपको 2017 में बुलाया था। ओके, तो 3 साल फिर भी हो गए, राइट। 3 साल एग्जैक्टली, 3 साल हो गए मुझे वहां गए हुए, 3 साल हो गए मुझे आप सब लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करे हुए, आपको आपसे बात किए हुए, आप तक अपनी बात पहुंचाए हुए। अगर मुझे कहीं पर भी ट्रेवल करना पड़ता था, किसी को प्लान दिखाने जाना पड़ता था, या किसी टीम को काउंसलिंग करना था, या कोई ट्रेनिंग देनी थी, तो एक बड़ा चैलेंज था भाई साहब कि मुझे अपना शेड्यूल प्लान करना है, मैं गाड़ी से, फ्लाइट से, यहाँ वहां जहां से जाना है, राइट, पैसा छोड़ दीजिए पीछे अब, लेकिन टाइम देना है, और फिजिकली आप स्ट्रेन रखते थे अपने ऊपर। और फिर आप क्या करते थे, 4 दिन 5 दिन 6 दिन के अंदर आप एक टेरिटरी में जा रहे हैं, एक शहर में जा रहे हैं, और उस जगह जाके काम कर रहे हैं। आज की डेट में क्या हुआ, ये जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये किसकी देन है पता है आपको, ये जो Zoom है, मैं अश्योर करूंगा 100% 1000 लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, इनमें से 990 लोग Zoom पर कोरोना से पहले नहीं थे। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स Zoom ऐप थी पहले से, लेकिन आप नहीं थे, मैं भी नहीं थे, exactly, मैं खुद नहीं। ये इन्वेंशन किसका है, ये उसी का परिणाम है, उसी का परिणाम। अब इसने हमारे लिए क्या फायदा कर दिया कि पहले अगर मुझे खुद भी अगर भुवनेश्वर आना है, तो उसका मतलब मुझे सिर्फ भुवनेश्वर आना है, बाकी सारी दुनिया से कट जाना है उन 3-4 दिनों के लिए, यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से भुवनेश्वर, फिर दिल्ली वापस बरेली, ट्रेवलिंग। आज मैं अपने घर पर हूँ, राइट, और 12 बजे की मीटिंग से पहले मैं अपना तैयार होकर और 10 मिनट में आपके सामने आ गया था। सो ये किसका परिणाम है, कोरोना का। हमारा बिजनेस है लोगों से कम्युनिकेट करने का, और इसकी वजह से Zoom की वजह से आज की डेट में हर वेस्टिजन की वर्किंग पहले से बढ़ चुकी है। आज मैं और होपफुली आप भी अपनी सभी टीमों से जो दूर बैठी हुई है, उन सबसे आप पहले के मुकाबले ज्यादा कनेक्टिविटी में है।
आप आज एक एक दिन में 3-4 मीटिंग भी कर रहे हैं अलग। अलग 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 टीमों की काउंसलिंग भी कर पा रहे हैं अपने घर बैठकर बिना उनको डिस्टर्ब किए, बिना खुद को डिस्टर्ब किए, राइट। एंड टर्नओवर रेगुलरली इंक्रीज कर रही है। और कोरोना के 3 महीने के पीरियड में मेरे पास ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल मेरी खुद की टीमें हैं जिनके अभी तक के उनके 2-3 साल के करियर के हाईएस्ट चेक उन्होंने बनाने शुरू किए कोरोना के इन 3 महीनों, राइट। तो ये इससे बड़ा मौका और क्या होगा कि इस समय इस सिचुएशन ने आपको ये समझने पर मजबूर भी किया और मौका भी दिया कि अब एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग एक ट्रूली होम बेस्ड बिजनेस हो गया है, ट्रूली होम बेस्ड बिजनेस जिसको एक्चुअली आप घर बैठकर बिल्ड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन से लेकर ट्रेनिंग से लेकर काउंसलिंग से लेकर एवरीथिंग यू कैन हैंडल फ्रॉम योर होम। ज्वाइनिंग आप ऐसी कंपनी में है जिसका सब कुछ ऐप एप्लीकेशन आपके हाथ में है, ज्वाइनिंग से लेकर ऑर्डर प्लेस करने से लेकर और पैसे गिनने से लेकर एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम योर होम। सो दिस इज द बेस्ट टाइम, according to me this is the best time to learn and to teach and to develop your business through this model. bilkul bilkul absolutely vivek ji aapne bilkul sahi kaha. in fact aaj se lagbhag 2 saal pehle hamari sales review meeting mein mr bali ne ye ek suggestion rakha tha ki let's start doing webinars, ki jo hum itni cnts kar rahe hain ab hum webinars bhi karenge so that hum number of trainings bada sake, नंबर ऑफ अप्रोच बढ़ा सके। बट हुआ नहीं होगा, हुआ नहीं एग्जैक्टली क्योंकि लोग कंफर्टेबल थे ऑलरेडी। एक चीज में जब कंफर्टेबल रहते हैं तो बदलाव करने में लोग घबराते हैं। सो यहां मैं बोलूंगा शुड वी से थैंक यू टू कोरोना। यस थैंक यू टू कोरोना। इनफैक्ट कोरोना का जो सेकंड साइड है, एक तो पहला साइड जो आपने बताया, जो सेकंड साइड है उसमें कई सारी चीजें पॉजिटिव हुई है। एंड यस अभी आप जो कह रहे हैं कि 1,000 में से 950 लोग, मैं गारंटी दे सकता हूं कि 1,000 के 1,000 लोगों के लिए जूम नया है। मतलब हमें खुद नहीं पता था इतना बड़ा और पावरफुल टूल रहा है ये। एंड यस थैंक्स टू कोरोना इसने कई सारी चीजें अच्छी कही हैं। इनफैक्ट मेरा जो अगला सवाल था उसका जवाब आप ऑलरेडी इसी में दे चुके हो, क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि आपके साथ क्या आपके साथ कोई चैलेंज आया COVID-19 के दौरान कुछ बिजनेस में। बट सिंस यू सेड दैट कि अगर जो आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अपॉर्चुनिटी है, एक लाइन में बोलूं तो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, जो दूसरा पहलू है आप हर चीज में उसमें देखते हैं। एंड जहां तक मैं समझता हूं कि आपकी जो इतनी बड़ी जीत हुई है अभी तक, इसका सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो इसी चीज को जाता है कि आप हमेशा से ही सारी चीजों में पॉजिटिव साइड के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। And you one have to do it. If you want to become successful in your life and you want to live the dream life, then you have to do it. Exactly. Vivek ji, there is one more very important thing. के अभी आज की डेट में आप देखिए कि Vestige का जो मेजर फोकस है वो यूथ के ऊपर है, ठीक। हालांकि मैं मेरी और आपकी बात करूं या मेरी और आपके जैसे लोगों की बात करूं तो दिल से हम हमेशा यूथ रहेंगे, ठीक, बट कागजों में हम यूथ नहीं है। बट देर इज वन थिंग के यूथ के ऊपर बहुत मेजर फोकस है वेस्टीज। मजाक में बोलना चाहूंगा उमेश भाई, अभी तो 49 साल के व्यक्ति भी हमारे देश के अंदर यूथ हैं, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और वो यूथ हैं। अभी तो बहुत छोटे हैं उनसे। एग्जैक्टली अभी तो बहुत छोटे हैं उनसे। अभी इनफैक्ट आप नोटिस करेंगे कि पिछले 2-3 सालों से वेस्टीज में यूथ ने काफी फिनोमिनली ग्रो करा है। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उनमें से लगभग मोर देन 70% जो नेटवर्क है वो आप ही का है। कौन कौन है ये आप बेटर जानते हो, और इस वक्त यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें भी काफी यूथ आप ही के नेटवर्क से यहाँ पे हैं। एंड यस यूथ जो है वो आपसे बहुत इंस्पायर्ड है, पूरे इंडिया का वेस्टीज यूथ की अगर मैं बात करूं, दे आर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। कोई एक मैसेज जो आप यूथ को देना चाहो, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा एक पावरफुल मैसेज जो आप यूथ को देना चाहो। देखो मैं एक बात बोल रहा हूँ कि सचिन के नाम में बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ पाए, राइट। और कई प्लेयर ऐसे भी आए हैं जिनके पास बहुत टैलेंट था, राइट, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो उतने रिकॉर्ड नहीं बना पाए। दे हैव द कैलिबर बट वो नहीं बना पाए क्योंकि उनको उतना खेलने का मौका नहीं मिला। तो यूथ के पास सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इनफैक्ट मैं बड़ा आज ब्लेस फील करता हूँ, मैं हर दिन ऊपर वाले का शुक्रगुजार रहता हूँ कि आज मैं जो सफलता की इस जगह पर हूँ, राइट, द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल आई एम हैविंग राइट नाउ, ये अच्छा है, किसी के पास भी होगा तो अच्छा है, लेकिन मैं इसके लिए ज्यादा शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि मैं इसको तब अचीव कर पा रहा हूँ, तब मैं इसको एंजॉय कर पा रहा हूँ जब अभी अभी मेरे पास एंजॉय करने का बहुत सारा टाइम बाकी, राइट। आई एम मेंटेनिंग माय मार्क सिंस 6 इयर्स, राइट,
और अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अगर मैं उसी जॉब में रहता तो मुझे 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 पता है कि मैं 60 साल की एज तक मैं वहां पर सर्वाइवल के लिए काम कर रहा होता, तो अभी तो मेरे पास उसके लिए भी 20-21 साल का टाइम बाकी है, राइट। यूथ के पास ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, और एक सबसे बड़ी पावर यूथ की क्या है, जो मैं क्यों कनेक्ट कर पाता हूँ यूथ से, या आपने कहा कि लोग मेरे से कनेक्ट करते हैं, मैं क्यों कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मेरे इस जब उनसे बात करता हूँ, जब मैं किसी भी यंग से बात करता हूँ, यंगस्टर से बात करता हूँ, तो मैं मेरे इस 20 साल के सफर के सफर में जो अप एंड डाउन हुआ, जो मैंने गलतियां की, जो मैंने सीखा, जो स्ट्रेंथ और वीकनेस रही, मैं उनको परोस पाता हूँ, राइट। और उनकी एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है एनर्जी, यूथ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एनर्जी, राइट। वो इतना ऑब्वियसली एनर्जेटिक होता है कि आप जो कर पाओगे वो शायद 4 दिन में वो कर देगा 1 दिन के अंदर, इतनी पावर, इतनी एनर्जी उसके अंदर रहती है, ये उसकी पावर है, ये उसका एक बेटर पार्ट है। बट यहां अगर उसको राइटली ट्यून कर दिया जाए, राइट, यानी कि जैसे मैंने आपसे कहा कि सफलता के नियम के बारे में अभी हमारे यहां किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता, तो अगर उन नियमों पर कोई यूथ अपने आप को, माय फर्स्ट मैसेज इज जस्ट चूज अ मेंटर फॉर यू, अपने लिए कोई एक मेंटर चुनिए, मेंटर वो जरूर चुनिए जो जीवन के अंदर जो आपको सिखा रहे हैं वो खुद वहां पर पहुंचे, राइट। तो ये भी एक कई बार मेरे पास सवाल आते हैं, और इसमें भी मैं बहुत सारे लोगों को भटकते हुए देखता भी हूँ। यस ऑफ कोर्स, आपने सही कहा कि यार सबसे बड़े संख्या में कामयाब यूथ मेरी टीम में आता है, दैट्स गॉड ब्लेसिंग, लेकिन बहुत सारे फेलियर भी हैं, राइट, बहुत सारे भटके हुए लोग भी हैं। तो मैं दोनों के नजरिए से ये मैसेज आपको देना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, आपके पास बेटर पार्ट है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है बहुत बड़ी अचीवमेंट करने के लिए, लेकिन पहले एक मेंटर जरूर चुनिए अपनी लाइफ के अंदर। और वो मेंटर वो नहीं जो जो यहाँ पढ़ के और वहां बताते हैं, वो मेंटर जिन्होंने उस जिंदगी को जिया हो, वो कोई भी हो, लेकिन उनको आप चुन सकते हैं, बट सेलेक्ट कीजिए, वो सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेप वन, स्टेप टू, सबमिट योर सेल्फ देम, राइट। ये बहुत मुश्किल होता है इस एज में कर पाना, यूथ के साथ बड़ा चैलेंज होता है कि वो सबमिट नहीं हो पाता, और जो हो गया उसके नाम में रिकॉर्ड्स होते हैं। तो जितने भी यूथ रिकॉर्ड ब्रेकर आप देखेंगे, ना सिर्फ हमारे सिस्टम के अंदर, दुनिया में किसी भी जगह पर, आप उनमें एक बेसिक क्वालिटी कॉमन पाएंगे कि वो सभी हम्बल हैं, उस एज के अंदर अपने एग्रेशन को उन्होंने संभाल के रखा फील्ड के लिए, लेकिन उसके अपार्ट वो हमेशा उन्होंने कोई ना कोई मेंटर जरूर चुना लाइफ के अंदर, और उसको हमेशा कॉपी किया, उसको हमेशा फॉलो किया। जैसे मैंने आपसे एक नाम लिया था, महेंद्र सिंह धोनी, एक पिक्चर आई थी अनटोल्ड स्टोरी, आप अगर धोनी साहब की बात करें तो आप उनको देखेंगे, आप सचिन की बात करें आप उनको देखेंगे, देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक गाइड मिले, एक मेंटर मिले, और उसके साए में आप आगे बढ़े। और तीसरी चीज, अपने एग्रेशन को फील्ड में लगाएं, लेकिन साथ में पेशेंस को जरूर बढ़ाएं, राइट। एक ही कमी है, हम आज चाहते हैं सपना देखा कल पूरा हो जाए, नहीं हुआ तो हम टूटने का काम कर देते हैं, हम ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। सफलता के नियमों को मत तोड़िए, अगर आप उन प्रिंसिपल्स को जो आप अपने मेंटर से सीख सकते हैं, उनको देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आपने वो चीजें अपने अंदर डाल ली, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जब मैंने शुरू किया था तो उस समय नेटवर्क मार्केटिंग इतनी सुलभ नहीं थी, इतनी आसान नहीं थी, उस समय इतने एग्जाम्पल नहीं थे, लोगों को विश्वास दिलाना हमारा मेन काम होता है, जो उस समय मुश्किल था। Rather, I'm talking about 20 years back, my first company, or when I started Vestige, 12 years back. Yes. आज आपके पास वो एडवांटेज है, आपके पास वो सारे टूल्स और स्टोरीज भरी पड़ी हैं, जिसके जरिए से आप लोगों को विश्वास जल्दी दिला पाएंगे और बड़ी सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और आज हम लोग जहाँ पहुंचे हैं, मैं कल भी किसी मेरे बच्चे से बात कर रहा था, तो मैंने उसको यही बोला था ब्लेसिंग के साथ में, कि हम लोगों ने इन 20 सालों के अंदर सड़कों का ट्रैफिक बढ़ाया है लग्जरी गाड़ियों के साथ में, लेकिन अगर आप हमारे एक्सपीरियंस के साथ अपना एग्रेशन, अपना ड्रीम मिला लेंगे और पेशेंस रख लेंगे, तो आने वाले वक्त में आप एयर ट्रैफिक बढ़ाने वाला काम करेंगे हिंदुस्तान के अंदर, राइट। सो दैट इज माय मैसेज एज वेल एज माय ब्लेसिंग्स टू ऑल द टीम पीपल, एंड ईश्वर आप सबके सपने पूरे करें, और टिके रहिए, लगे रहिए, बस चीज हमारे पास में है, तो कोई चीज हमसे दूर नहीं रह सकती जो आपके जीवन में खुशियां भर सकती। विवेक जी, अभी लास्ट एक सवाल जस्ट मेरे दिमाग में आया है, और ये मेरे दिमाग में जस्ट इसलिए आया है क्योंकि अक्सर ये सवाल मेरे से काफी लोग पूछते हैं, एंड आई होप इस वक्त जो यहाँ पे ऑडियंस है उनके दिमाग में भी ये सवाल होगा। मेरे से कहते हैं लोग, कहते हैं सर ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, कोई 10 लाख कमा रहे हैं, कोई 20 लाख कमा रहे हैं, कोई 25 लाख कमा रहे हैं,
और आप देखिए, कोई कई कुछ लोग आए साल भर में 2 लाख रुपए पे पहुंच गए, कुछ लोग कहते हैं कि जी 6 महीने में इतने लाख पे पहुंच गए। ये लीडर्स ऐसा क्या करते हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम भी एक बड़ी इनकम पे पहुंचे? सिर्फ एक लाइन, पहली, डोंट कंपेयर विद एनीवन। वन, ये बहुत बड़ा रीजन है सुसाइडल का, राइट? आपके अपने प्रारब्ध हैं उमेश जी, आपका अपना परिवार है, आपका अपना बचपन था, आपके पेरेंट्स, हो सकता है मेरे पेरेंट्स से अच्छे हों, पैसे वाले हों, मेरे उतने ना हों, या हो सकता है मेरे आपसे बेहतर हों, लेकिन आपके पेरेंट्स जो आपके लिए हो सकते हैं वो मेरे पेरेंट्स वो किसी और के लिए नहीं हो सकते, ठीक है? सो कौन सा आदमी क्या कितना कम टाइम में कहाँ पहुंच पा रहा है, इफ वी कैन टेक देन टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट गाय, बट नेवर कंपेयर। ये मेरा पहला मैसेज है, क्योंकि एक सोच में दोनों बातें हमेशा दिमाग में आती हैं। कई बार हम अपने आप को इसलिए भी गलती नंबर 3 पर ले जाते हैं, राइट? स्वयं को दोषी ठहराने पर ले जाते हैं कि यार वो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं मेरे में गड़बड़ है, या कहीं मेरे प्लान में गड़बड़ है, या कहीं मेरे अपलाइन में गड़बड़ है, या कहीं मेरी कंपनी में गड़बड़ है। और जैसे ही ये बीज भी आया दिमाग में, ये पेड़ बन जाता है और आपको खत्म कर देता है। तो एक पहली चीज, सवाल एक बार दोबारा से आप अपना करेंगे, मैं वापस एग्जैक्टली उसको मैं मोल्ड कर दूंगा। जी कि ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, सिद्धार्थ सिंह जी, विवेक सक्सेना जी, और भी बड़े बड़े नाम हैं, हमारे वेस्टीज एम्बेसडर्स हैं इतने सारे, जितेंद्र नायक जी हैं, घोष जी हैं, और भी जो भी यूथ आ रहा है इतना फिनोमिनली ग्रो कर रहा है, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं? हमें ऐसा क्या करना चाहिए? दोनों चीजें मैंने आपको बता दी अभी, एक तो आपने वो नहीं करना है, दूसरा ये बिजनेस में आपको जो करना होता है वो क्या करना है, ए सिस्टम को फॉलो करना। तो जो लोग तेजी से कामयाब हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो डेफिनेटली सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, हमें करना क्या है, सिस्टम के अंदर फॉलो करते समय लोगों से मिलना है, लोगों को बताना है, फाइनली लोगों को यकीन दिलाना, ठीक है? आप सिस्टम को प्लग करो अपने आप को। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं, जो नए अचीवर्स आ रहे हैं और कम टाइम में ग्रोथ की बात करूं, तो मैं आपसे बोलूंगा कि एनालाइज ऑल 16 ईयर्स। अगर आप कभी इस तरह से समझना चाहते हैं तो 16 साल को एनालाइज कीजिए। हर एक साल में जो वेस्टीज ने बिताया पास्ट में और एक नए साल में एंटर किया, तो अगर आप पूरी कंपनी के अंदर नंबर ऑफ अचीवर्स की बात करें या नंबर ऑफ चेक साइज की बात करें, तो हर बढ़ते साल के अंदर ये संख्या चेक्स अमाउंट की और नंबर ऑफ चेक्स अचीवर्स की भी लगातार बढ़ती गई है। आज नहीं बढ़ रही है, आज आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है, लेकिन आप देखें तो 2004 के मुकाबले 5, 6, 7, 8, 10, 12 हर साल नंबर्स बीट हुए हैं। क्यों? इसका रीजन समझिए। इसका रीजन है कि जो मुख्य काम है नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों को बिलीव दिलाना पहला स्टेप है, इसमें आपके पास हर साल स्टोरी बढ़ती चली जा रही है। और जो लोग सिस्टम में रहकर अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, स्टोरी शेयरिंग के साथ कर पा रहे हैं, लोगों को यकीन दिलाने में वो कामयाब हो पा रहे हैं, और दैट्स वाई उनके चेक्स कम टाइम के अंदर भी रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, अगेन यू आर गेटिंग मोर स्टोरी। सो आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि उनके साथ कंपेयर मत कीजिए, कुंठित मत होइए, बल्कि कनेक्ट कीजिए अपने आप को सिस्टम से, और अपनी तैयारी करके एक कॉमन चीज जो उनमें आप देखेंगे, जो आपको होनी चाहिए अपने अंदर, कि वो सभी जिनके बड़े चेक्स आप देखते हैं, एक कॉमन चीज अगर उनमें देखेंगे, तो वो सभी लोग इंडिपेंडेंट वर्क करने वाले लीडर्स हैं। सो अगर आप वहां जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए, और जल्दी से रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कीजिए, सिस्टम के साथ प्लग होइए, आपका नाम भी उनमें शामिल हो जाएगा। इनफैक्ट थैंक यू सो मच विवेक जी। इनफैक्ट एक चीज जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग कही, मतलब अमेजिंग, और शायद ये बात आप भी नहीं जानते होंगे कि ये अमेजिंग मैसेज जो आपने दिया, लेकिन वो मैसेज मैंने पकड़ा है जो मैं इस वक्त बैठी हुई ऑडियंस को देना चाहूंगा। आपने बातों बातों में भी एक बात कही कि लोग गलती नंबर 3 करते हैं, स्वयं को दोषी ठहराना, राइट? ये हमारा एक VIP मॉड्यूल है, ठीक, जो आपने अटेंड भी करी है, आपने करी भी है, एंड आई होप आपने काफी टाइम से उसको अटेंड भी नहीं किया होगा, और शायद अभी शायद काफी टाइम से उसे किया भी नहीं होगा, शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट बावजूद उसके आपको जो एजुकेशन सिस्टम का एक एक मॉड्यूल है वो आपके दिल में और दिमाग में अच्छे से घुसा हुआ है। एंड नहीं उमेश जी, मैंने अभी जस्ट टू अपडेट यू, मैं इस मॉडल को, जो मैंने वर्ड यूज किया कि अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो अपने आप को सिस्टम से प्लग कीजिए। सिस्टम का मतलब ही क्या है? एग्जैक्टली तो काम करने के राइट स्टेप्स बाली सर ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए
आपको स्टेप्स भी बता दिए हैं। तो आप देखिए, आपके आपके फादर जो आपको याद होंगे वो चलते किससे थे, हाथ से या पैर से? पैरों से। खाते किससे थे, हाथ से या पैर से? सॉरी, खाते किससे थे, हाथों से या पैरों से? हाथों से। आप किससे चलते हैं? पैरों से। तो कुछ चीजें जो यूनिवर्सली हमारे लिए सेलेक्ट की गई हैं, उन्हीं को सिस्टम कहते हैं सर। Exactly. और उनको बदल नहीं सकते। Exactly. ऐसा नहीं है कि नेटवर्क बनाने के लिए फॉर्मूले 15 साल पहले कुछ और थे, एक एक, एक इंसान को अपने आप को ट्रेन करने के लिए नियम पहले कुछ और थे और आज बदल जाएंगे क्योंकि आज 15 साल हो गए। जमीन के साथ में जितना आप जुड़ सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं, आप उतनी मजबूती से ऊपर की तरफ बढ़ पाएंगे। Exactly. मैंने अभी भी रिसेंट जस्ट लॉकडाउन होने से 15 दिन पहले लास्ट VIP किया है, और आपको बता दूं आपकी टेरिटरी यूपी रहा। आपको पता होगा यूपी के अंदर सबसे पहला शहर, फेवरेट शहर बाली सर का वेस्टिज के लिए कौन सा था? जहां हमारा पहला ऑफिस था, कानपुर, राइट। और वहां पर बाली सर उस जमाने में VIP क्या करते थे, मैंने अभी 28 फरवरी को ही वहां पर VIP की पहली बार, और उसमें लगभग 1500 लोग थे। वाओ, राइट। तो वो मैं आज भी करता हूँ मॉडल को, और इसलिए करता हूँ क्योंकि वो करने से एक फायदा होगा, किसी का हो ना हो, कि मैं अपने आप को सिस्टम के साथ हमेशा कनेक्ट कर पाऊँ। एग्जैक्टली, राइट। तो exactly. वो मॉडल बदलेंगे नहीं सर, वो हमेशा थे। अगर बाली सर ने कुछ दिया था तो ऐसा नहीं कि वो आज रूल बदल जाएंगे। एग्जैक्टली, राइट। वो 7 गलतियां अगर आप आज भी करेंगे तो विश्वास कीजिए आपकी सफलता में आज भी प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस। ट्रू। बाकी सर थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने इतना टाइम दिया, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी ऑडियंसिस ने आज का ये जो सेशन अटेंड किया है, काफ़ी कुछ सीखने को आप लोगों को मिला होगा, एंड कई सारी चीज़ें जिनको आप नहीं कर रहे होंगे उनको आज से आप करना शुरू करेंगे। एंड बिलीव मी, जिस लेवल पे आज विवेक जी पहुंचे हैं, कोई भी इंसान इस लेवल पे पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड वो कमिटमेंट होना चाहिए और वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो चीज़ें आज विवेक जी ने आप सभी लोगों को बताई। बाकी आज का सेशन सर हम यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे टाइम लेते रहेंगे, इनफैक्ट मैं प्लान कर रहा था COVID-19 से पहले के एक तुम्हारा सेशन मैं यहाँ पे करवाऊं, बट समहाउ COVID-19 हो गया और फिजिकल आना पॉसिबल नहीं हुआ। बट यस, जैसे ही लॉकडाउन की कंडीशंस खत्म होंगी, COVID-19 आज नहीं तो कल जाएगा ही जाएगा, तो डेफिनेटली मैं आपको एक सेशन कराऊंगा, और ये एक्सक्लूसिवली उड़ीसा के लिए होगा, और इसको मैं एक ओपन स्टेडियम में आपके लिए कराऊंगा। No issues and thank you so much Umesh bhai to call me on this platform. और मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे पास हमेशा समय है अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी के हर एक व्यक्ति के लिए, doesn't matter apart कि वो मेरी टीम में है या नहीं है। आप सब अगर मेरी कंपनी में हैं तो आप मेरी टीम का पार्ट हैं, राइट। आप पहले भी थे और आज भी हैं, और बस एक लाइन, जो लाइन मेरे लिए किसी भी ओहदे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, दैट आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी अ प्राउड वेस्टिजियन एवर, राइट। तो अगर ये आप फील लाते हैं तो फिर आपके आपके पास समय ही समय है, कोई दिक्कत की बात नहीं। व्हेनेवर यू वांट आई विल बी देयर। एग्जैक्टली। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम, एंड थैंक यू सो मच ऑल द ऑडियंसेस, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। ये आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।